अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ठीक है ना? सब ठीक है, सबको पता है ना क्या करना है। अब जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सब यहां एक साथ नीचे पूजा में नहीं आएंगे आप लोग? मोक्ष बेटा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? अरे बिल्कुल बाबा, ये कोई पूछने वाली बात है। आप बताइए क्या करना है। हमारा बीपी बहुत बढ़ रहा है और हमारी बीपी की दवाई भी खत्म हो गई है, क्या तुम ला दोगे? अरे बिल्कुल पापा, मैं अभी लेके आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। थैंक यू बेटा। देखा, कोई नीचे नहीं आया। मैंने मोक्ष को भेजा था उन सबको नीचे बुलाने के लिए। उन लोगों ने मोक्ष को वहां पर रोक लिया ताकि वो पूजा का हिस्सा नहीं बन सके। रास्ता क्लियर है तो हम शुरू करते हैं। पाठ का प्रसाद बाकी का काम बुढ़िया करेगी। अब ये जहर से मिला हुआ प्रसाद खाकर सब एक साथ ऊपर के ऊपर चले जाएंगे अपने लाडले शिवाय के पास। सब शिप्रा बेटा, पाठ खत्म होने वाला है, रसोई से प्रसाद ले आ। जय भोलेनाथ। नंदिनी, सच कहें तो हमारा परिवार बिखर गया। दादी, अब मन मत छोटा कीजिए। अब वो लोग गुस्सा है ना, जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तब वो लोग आ जाएंगे। ये लीजिए प्रसाद। माँ प्रसाद। काकी प्रसाद। प्रसाद में तो बिच्छू का जहर है। मैं नागिन हूं इसलिए मुझ पे इसका असर नहीं होगा, लेकिन बाकी सब पर तो होगा ना। ये भोलेनाथ, शिप्रा उठो, शिप्रा। माँ, माँ उठिए। माँ, कोई है, कोई मेरी मदद कीजिए, कोई है। बस कुछ देर और, उसके बाद ये सब भगवान को प्यारे हो जाएंगे और ये सारी जायदाद
हमारी चांदी चांदी होगी। चांदी नहीं, सोना, ढेर सारा सोना। एक बार ये लोग मर जाएं तो वो ज्वालामुखी जरूर फटेगा। अपनों के खून से बड़ा अपराध तो और कोई हो ही नहीं सकता ना। इन सब ने वही पाप किया है। अब मेरे शिवाय के अंदर बुरी आत्मा को आने से कोई नहीं रोक सकता। सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। बोले ना, इन सबको बिच्छू का जहर दिया गया है। हो ना, ये सब उस दामिनी का किया धरा है। मुझे इनका जहर निकालना होगा। इस सर्द धूप से थोड़ी देर के लिए यहाँ धुआं हो जाएगा और फिर धुएं में आसानी से मैं अपने नागिन रूप में आकर सबको बचा लूंगी। जय भोलेनाथ। इतना धुआं कैसे? हाँ, पूरे हॉल में धुआं है। हम एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे हैं। अरे पर इतना सारा धुआं आया कहाँ से? ये तो नीचे जाके देखना होगा। आओ मेरे पीछे, आओ। मुझे पता है पार्वती, ये सब तेरा किया हुआ है नागिन। हे भोलेनाथ, मैंने इनसे शहर तो निकाल ली, अब तो इन्हें ठीक हो जाना चाहिए। शहर निकालने के बाद भी इन्हें होश नहीं आ रहा है। अब इन्हें बस एक ही चीज बचा सकती है, मगर उसके लिए मुझे इन तीनों को यहां से लेकर जाना होगा। तो सब यही थे, एकदम से कहां चले गए? ये हॉल में अचानक से इतना धुआं कैसे हो गया? इस तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। कहां गए सब? हाँ, इसका मतलब ये सब जिंदा है। चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपको, दादी जी को और शिप्रा को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर वो लोग पुलिस स्टेशन चले गए तो सारे अंदर जाओगे। पुलिस? पर ये सब तो हमने तुम्हारे कहने पर किया था ना। मैंने तुम्हें उन्हें मारने के लिए कहा था, अधमरा छोड़ने के लिए नहीं कहा। ढूंढो उन्हें। चलो तेजस। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं पार्वती। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।